नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हिमाचल प्रदेश में लगातार आर्थिक संकट गहराया हुआ है और सबसे बड़ी बात, इतिहास में पहली बार 53 सालों बाद ऐसा हुआ है जब यहां पर कर्मचारियों को सही डेट पर सैलरी नहीं मिली है, जिसे लेकर बीजेपी इस मामले को लेकर सुखू सरकार को घेरती नजर आई और ये कहती नजर आई कि जहां जहां है कांग्रेस का खटाखट मॉडल, वहां वहां उन राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश, पूरा राज्य जो है कंगाल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये हर जगह वहां देखने के लिए मिल रहा है जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है। राहुल गांधी को भी बीजेपी घेर रही है और ये कह रही है कि इनके खटाखट स्कीम ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से आर्थिक तंगी की ओर जो है धकेल दिया है। और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इतिहास में पहली बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है 53 सालों बाद सही वक्त पे वेतन और पेंशन नहीं मिला है एम्प्लॉयज को, क्या कहेंगे आप? कि ये सरकार बिल्कुल दिवालिया हो गई है। इन्होंने जिस तरह से कहा था कि खटाखट सबके सबको पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन मिलेगी, सैलरी बनेगी, तमाम वाउचर मिलेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं कही थी, बिजली की कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हैं और वेतन भी नहीं दिया है। और वेतन की आपको बता रहे हैं कि वेतन अभी मिलने की संभावना भी 10 तारीख तक नहीं है, हकीकत ये। और सबसे बड़ी बात है, ये धोखाधड़ी इस तरह से की कि बृहस्पतिवार को इन्होंने, मुख्यमंत्री ने बहुत ही मार्मिक एक बयान दिया कि मैं अपना वेतन 2 महीने नहीं लूँगा और सब विधायक नहीं लेंगे और जो अधिकारी वो नहीं लेंगे, मेरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं लेंगे, कर्मचारी भी मत लें, इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी सी वैसी है। उसी समय सभी कर्मचारियों ने अंदाज़ा लगा लिया था कुछ ना कुछ गोलमाल होने जा रहा है। आप देखिए, इधर ये कह रहे हैं वेतन नहीं लेंगे, उधर कर्मचारियों से कह रहे हैं आप भी 2 महीने का वेतन न लीजिए, फिर और कहा विधायक भी नहीं लेंगे। अब आपको बताना है, बाद में जब विधायकों ने बवाल किया उन्हीं की पार्टी ने कि हम क्यों ना लें, फिर इन्होंने क्या बयान दिया कि इधर 2 महीने ना उठाएं, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी फोर्जरी है कि ये एहसान दिखला रहे हैं कि हम वेतन जैसे बिल्कुल छोड़ देंगे, छोड़ नहीं रहे, 2 महीने बाद फिर लेंगे, तब आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। अब आप समझ लीजिए, अगर 2000 करोड़ रुपया इन्होंने नहीं लिया, अब वो 4000 करोड़ रुपया हो गए, जब वो तीसरे महीने में 4000 करोड़ रुपया मांगेंगे तो 8000 करोड़ रुपये की वो हो जाएगी, तो और लॉस हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा था कि खटाखट पैसे आएंगे, 3 बार राहुल ऐसे फेल हो गए, 3 बार इन्होंने कहा था खटाखट पैसे आएंगे, सबके अकाउंट में आ जाएंगे और कहीं कुछ भी नहीं, उल्टा अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, कर्मचारियों से कह रहे हैं 2 महीने का वेतन ना लो और विधायकों से कह रहे हैं कि आपके एडजस्ट हो जाएंगे, कर्मचारियों से नहीं कहा इन्होंने। और कुल मिलाकर के बहुत बड़ी धोखा दे, 2000 आपको बताने कर्मचारी हैं, 1.5 लाख पेंशनधारी हैं, 1.5 लाख पेंशनधारी, इनको ये पैसा नहीं दे रहे हैं और आगे चल के देंगे कि नहीं ये भी नहीं कहा, मगर 10 तारीख तक अभी कोई भी सवाल नहीं उठता है, इसके बाद होगा। अब आप अंदाज लगा लिए 10 तारीख तक अगर बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा तो उसका एक ब्याज होता। उससे दुखद बता दें, इन्होंने खजाना बिल्कुल खाली कर दिया है, खजाने में 750 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ये ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते। अगर 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट किया तो तुरंत ही पेनाल्टी पड़ जाएगी आरबीआई। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 750 करोड़ रुपए जो है वो अगर इससे ऊपर ये करेंगे तो पेनाल्टी लग जाएगी, और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी और जो पेंशन है उसका टोटल राज्य सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो ये 10,000 करोड़ रुपए जो बकाया है, और सुखू सरकार जो है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि नहीं आर्थिक संकट नहीं है, हम चीज़ें 2 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगी, तो जिस सरकार के पास वैलिडिटी 750 करोड़ रुपए लेने की इस वक्त बची हुई है और 10,000 करोड़ रुपए बकाया ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बयान देते रहते कि आर्थिक संकट नहीं है, इसे किस तरीके से देखा जाए? इतना बड़ा आर्थिक संकट, आप अंदाज लगा लीजिए कि लगभग इस समय की जो स्थिति है वो 94,000 करोड़ रुपए के कर्ज पे, 94,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर है, दूसरी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों के अलावा आपको बतला रहे हैं कि पेंशन वेलफेयर फंड से, जो बहुत बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया, अपराध किया है,
वो अपराध ये किया है कि पेंशन वेलफेयर फंड से रुपया निकाल लिया और रुपया निकाल करके उसका वेतन भी नहीं दिया और दूसरे मद में खर्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि टोटल कर्मचारी जो है 189,466 ये वो कर्मचारी है जो बहुत ही प्रायोरिटी पे उनको इन्हें हर हाल में आवश्यक सेवाओं का है वो इनको वेतन देना पड़ेगा। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों ने कुछ भी अगर कर दिया तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि सचिवालय कर्मचारी संघ के अधिकारियों के प्रेसिडेंट संजू शर्मा ने और राजपत्रित अधिकारी संघ की अध्यक्षा गीता शर्मा ने भी ये कहा है कि अभी 10 से पहले मिल नहीं पाएगा जो स्थिति है। ये कर दें कि ईएमआई के लिए कह दें लेट जमा करें। ये भी सुक्खू ने नहीं किया। सुक्खू ने ये धोखा दे दिया कि हम वेतन नहीं ले रहे हैं, विधायक नहीं ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, विधायक वेतन ले रहे हैं। विधायकों ने उन्होंने कह दिया कि 2 महीने बाद एडजस्ट कर दें। इसके अलावा आपको बता दें 2030 में 2.5 लाख कर्मचारी हो जाए, जब ये अभी से वेतन का इस तरह से कर रहे हैं तो आगे ये क्या देंगे। यही नहीं, आपको इससे बड़ी आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह ने यही धोखाधड़ी नहीं की। इन्होंने 600 यूनिट देने को बिजली कही थी, वो भी नहीं दी 120 यूनिट और दाम बढ़ा दिए हर जगह। फिर से आर्थिक संकट पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुक्खू सरकार जो है, खुद मुख्यमंत्री सामने आके कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन महिलाओं से 4,500 रुपए जो दिए हैं उसमें टर्म कंडीशन लगा देते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो सुविधा दी थी उसे वापस लेने की बात करते हैं, और अब जो है जो इम्प्लॉयज है उन्हें वेतन भी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये खटाखट स्कीम लेकर आते हैं चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद इसका ठिकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये इन लोगों की एक प्लानिंग थी, धोखाधड़ी थी, राहुल गांधी की और खड़गे जी की, कांग्रेस के हाईकमांड की और सुक्खू की, ये इनकी धोखाधड़ी थी। इसके लिए वीरभद्र जी पूर्व विधायक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई बार इसका विरोध किया। उनकी पत्नी ने कहा था ऐसे वो बनाइए कि ज़्यादा धोखाधड़ी ना हो पाए। जब ये सब ये लाए थे खटाखट स्कीम, उस समय जब इन्होंने मैनुफेस्टो किया था तो भाजपा ने इसीलिए वो अपनी स्कीमों में नहीं दिया, वो नहीं कर सकते थे, मगर इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा देने के लिए फर्जीफिकेशन किया, यही लोकसभा में किया, खटाखट इतना रुपया आ जाएगा। 3 बार इन्होंने किया, 3 बार फेल हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि जनता का इन्होंने धोखे में बोर्ड ले लिया, मगर दिवालिया हो गया है पूरा राज्य। देखिए, मैं आपको बता दूँ, हिमाचल प्रदेश ऐसा है जिसके पास अपनी संपदा बहुत है, प्राकृतिक संपदा है, वहाँ के अपने राज्य की संपदा है, जिससे वहाँ का जीविकोपार्जन चलता है, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। और आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के शासन में जितना था उन्होंने लोन लिया था, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने 20 महीने में ले लिया। लोन ही नहीं लिया, 90,000 करोड़ रुपए के कर्ज में लाद दिया। ये जाके कर्ज अभी बहुत बढ़ जाएगा, ये कर्ज इतना हो जाएगा भारत के कुछ प्रांतों का कर्ज मिला करके बराबर होगा। यही नहीं, जितना बजट है कुछ प्रांतों का उतना आप समझ लीजिए 3-4 प्रांतों का बजट है, उतना इन्होंने ले लिया कुल मिला के। उसमें भी जो सबसे दुखद बात है, इन्होंने कर्मचारियों के कुछ बाउचर होते थे जैसे कन्वेंस के, खाने के या कहीं जाने, उन बाउचर कई बंद कर दिए, कई पे कटौती कर दी। ओवर टाइम का पैसा कभी कभी कर्मचारियों को मिलता था, कहीं दूर जाते थे तो कन्वेंस का भी सारे कुछ काट दिए। वहीं पे मंत्रियों के हैं, आपको बता रहे हैं इन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए, बोर्ड के मंत्री बनाए। ये आप एक चेयरमैन को 30,000 रुपया तनख्वाहें मिलती थी, इन्होंने 1,30,000 रुपया अभी किया। तमाम उनको सुविधाएँ दे दी, गाड़ियाँ दे दी, उनको बंगले दे दिए, फ़ोन की सुविधा दे दी, कपड़े की सुविधा। आप अंदाज लगा लिए कपड़े की धुलाई का 30,000 रुपया विधायक को। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी, जनता का पैसा मान रहे हैं, जनता से कह रहे हैं, पब्लिक से, कर्मचारियों से कि आप वेतन ना ले लो। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने जब अपना, इसके पहले जब कांग्रेस ने अपना मैनुफेस्टो दिया था, मैनुफेस्टो में कई घोषणाएं की थी कि मैं ये कर दूंगा, तब बीजेपी का चूंकि पहले आ चुका है तो तय हुआ कि बीजेपी अपने मैनुफेस्टो में कुछ अमेंडमेंट करे या कुछ जोड़ के दे, तो बीजेपी के नेताओं ने मना कर दिया था। मोदी जी ने कहा था हम उतना ही कहेंगे जितना कर सकते हैं, कोई भी हवा हवाई बात नहीं करें। अब आप ये समझ लीजिए कांग्रेस इस तरह से धोखा दे रही, 3 बार दे चुकी,
और झूठ बोल करके वादे करके वोट ले लेती, काम कुछ नहीं। अगर इनको कहीं देश की सत्ता सौंप दी जाती तो ये देश को दिवालिया कर देते। यही इन्होंने हिमाचल में किया, यही ये तेलंगाना में कुछ ही महीने हुए तेलंगाना की भी स्थिति यही हो गई। और आपको बता रहे हैं कर्नाटक में इन्होंने इतने घपले किए हैं, सब जगह इनका कुल मिला घपले। इसके पहले भी जो केंद्र की सरकार थी इतने घोटाले थे, इतने घोटाले थे। हिंदुस्तान में जितने घोटाले हुए हैं उसमें 99% कांग्रेस के समय हुआ, बीजेपी या मोदी जी के समय कोई भी मोदी के समय घोटाला नहीं हुआ। संबित पात्रा ने क्या कहा? संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर के खाते में 1 तारीख को ना तो सैलरी आई है ना ही पेंशन। जहां जहां है कांग्रेस की सरकार वहां वहां खटाखट हो रहे हैं कंगाल। ये संबित पात्रा ने कहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री ठाकुर ने कहा है, जयराम ठाकुर जी ने, कि हमारे समय आप स्थिति देखिए सभी को सैलरी मिलती थी। उन्होंने ये भी कहा जब शांता कुमार पहले 1977 में चीफ मिनिस्टर भाजपा गुट के जनसंघ के बने थे, उन्होंने सब सैलरियों का एक नियम किया था कि सैलरी 31 तारीख को हर साल में लोगों के अकाउंट में चली जाए, उनको मिल जाए। तब कैश पेमेंट होता था, कैश के लिए वो पहले से अकाउंट से पैसे भेज देते थे। ये जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर ने कहा, बोले हमारी समय देनदारियाँ नहीं थी, 10,000 करोड़ रुपए की लेनदारी 90,000 करोड़ रुपए के ऋण पे ला दिया और पूरा वो दिवालिया कर दिया। सबसे बड़ी बात जो विभागों से या जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी, संपदा थी, प्राकृतिक संपदा, ये सबका दोहन इनके एजेंट कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं। कर्मचारी 1.5 लाख पेंशनर, एक एक व्यक्ति से 20-20 आदमी इन्वॉल्व है। जब इनको वेतन मिलती ये परचेजिंग करते हैं तो दुकान में आ जाती, ये कपड़े खरीदते हैं कपड़े की दुकान से और वो टर्नओवर होता। आपको बता रहे पूरा टर्नओवर पूरा आप समझ लीजिए विधवा कर दिया इन्होंने, पूरा हिमाचल प्रदेश विधवा कर दिया। लोगों को तनख्वाहें मिल जाती थी, लोग दौड़ते थे मार्केट में, मनी का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता, पूरा डाउन है आप समझ लीजिए। अगर ये ज़्यादा दिन तक डाउन रहा तो आपको बताएं व्यापारियों की, चूँकि बिजली तो वैसे चल रही, व्यापारी दुकान खोले बैठा उसका तो सब खर्च हो रहा, अगर 15 दिन का रहा तो ये 15 दिन का पेमेंट पूरा पूरी अर्थव्यवस्था व्यक्ति व्यक्ति की अर्थव्यवस्था बिगाड़े दे रहा है। पूरा राज्य दिवालिया में कुछ सुविधा दे रहा, डेफिसिट का डेफिसिट ग्रांट केंद्र दे रहा, इसके पहले भी अभी दिया है, और 5 की जगह 3.5% ब्याज कर दिया, कम कर दिया, ये केंद्र ने सुविधाएं दी। उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं ये पैसा खुद दोहन कर ले रहे हैं और दिवालिया की स्थिति में कंगाल कर दिया, और खटाखट जो लाए थे इन्होंने खटाखट लोगों की जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं। ताकि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आर्थिक संकट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो सुखू सरकार है, और इसके पीछे का एक और बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी और उस वक्त जो लोन्स लिए गए थे, और जब कांग्रेस की ये सुखू सरकार आई और उन्होंने इतने कम समय में इतना ज्यादा लोन ले लिया कि अब इनके पास सिर्फ क्रेडिट लिमिट ही 760 करोड़ रुपए की बची है, क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई जो है वो पेनल्टी लगा देगी। और आपको बता दें कि इंप्लॉयज और पेंशनकर्ता को मिलाकर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, और इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आकर मीडिया के सामने ये बात झूठ कहते हैं कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 53 सालों बाद जब इंप्लॉयज के खाते में वेतन और पेंशन नहीं मिली है उन्हें समय पे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।